हमारे प्रमुख उत्सव पांचवा पाठ है गुरु पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा आता है जिस दिन, उस दिन पूर्णिमा होती है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ महीने के अनुसार चौथा महीना है, उसकी पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ था? व्यास जी का। श्री व्यास जी की गुरु के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। आगे व्यास जी देखे दिख रहे चित्र में, गुरु को साक्षात परमेश्वर माना जाता है, इसलिए उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। रक्षाबंधन देखिए, भाई बहन का त्योहार है ना, दिख रहा है बहन भाई या गुरा की बयांतरी है। श्रावण माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। यह भाई बहन का त्योहार है। श्रावण, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, उसमें भी पूर्णिमा आती है। जब पूरा चंद्रमा आता है उस दिन, उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो श्रावण माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा? रक्षाबंधन। यह भाई बहन का त्योहार है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है। भाई बहन की रक्षा का दायित्व लेता है और भाई को बहन की रक्षा का लेता कि मैं बहन तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रेम का पर्व है। अब प्रेम का पर्व कौन सा है? रक्षाबंधन। नागपंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष की को नागपंचमी होती है। शुक्ल पक्ष में ही ज्यादातर त्योहार है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी होती है। इसे गुड़ियों का त्योहार भी कहते हैं। अब नागपंचमी को गुड़ियों का त्योहार भी कहते हैं। इस पर्व पर लोग नाग की पूजा करते हैं। नागपंचमी को नाग की पूजा करते हैं। सावन महीने में जैसे शिवार्चन होता है, उसी तरह नागपंचमी भी उन्हें दूध पिलाया जाता है। यह उत्सव विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर आदि में होता है। चौथा आता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अब अभी तक शुक्ल पक्ष के त्योहार थे, अब आया कृष्ण पक्ष का त्योहार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा घटता रहता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। तो यहाँ एक महीने के दो पक्ष होते हैं, तो पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के बाद जब अष्टमी आई, तो अष्टमी को यह उत्सव होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। इनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे? देवकी और वसुदेव। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। कारागार का मतलब सुनते हैं, जेल में। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया था कारागार में, और वहीं उनका, श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। वसुदेव जी ने रात में ही श्री कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल पहुंचा दिया। वसुदेव जी जो थे उनके पिताजी श्री कृष्ण के, उन्होंने उनको रात में ही एक दलिया में बिठा करके यशोदा के घर गोकुल पहुंचा दिया था। देख रहे हैं आप चित्र में, जिससे उनकी रक्षा हो सकी थी। नहीं तो कंस तो सबको, बच्चों को मार रहा था। तो श्री कृष्ण की इस प्रकार से रक्षा होती है। बड़े होकर भगवान कृष्ण ने उस दुष्ट देव कंस का, कंस मामा का वध किया था और अनेक लीलाएं की। अब आ गया दूसरा पेज, इसमें देखिए श्री राम नवमी। श्री राम नवमी भी शुक्ल पक्ष में मनाई गई, जिस पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह उत्सव होता है। यह भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है। इस तिथि को दुर्गा पूजन भी होता है। नवमी को दुर्गा का पूजन भी होता है, जैसे प्रतिपदासी प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके नवमी जब आती है तो उस दिन नव दुर्गा का पूजन करते हैं, कन्या पूजन वगैरह करते हैं। तो ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है और इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और दुर्गा पूजन भी करते हैं। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को यह उत्सव होता है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का उत्सव होता है। देखिए बसंत पंचमी में ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती का यह जन्मदिन है। देखिए इसलिए सब सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। लोग इस दिन हवन पूजन करते हैं। देखिए ऊपर ये हवन पूजन कर रहे हैं। यह ऋतु परिवर्तन का पर्व है। ऋतु बदलती है, बसंत ऋतु आती है। इस दिन हम पीले वस्त्र पहनते हैं। हम क्या करते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। अब आया अभ्यास प्रश्न आते हैं ना, अब आएंगे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न एक है, उत्सव का नाम लिखिए। जैसे चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्री राम नवमी।
माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये तो हमारे त्योहार हैं, इनकी हमको तिथियों को ध्यान रखना है और ये सब कार्य हमको कापियों में करके याद करना है, लिखना है सुंदर लेख में, फिर अपना याद करना है। अब आइए प्रश्न दो, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। व्यास जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था व्यास जी का जन्म? आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को हुआ था, या हम कह सकते हैं कि व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा को हुआ था। खो, रक्षाबंधन किसका त्योहार है? दूसरा प्रश्न आया, रक्षाबंधन किसका त्योहार है? तो सभी जानते हैं भाई बहन का त्योहार होता है, बहनें खुश रहती हैं कि भाई को राखी पहनानी है, भाई खुश होते हैं कि बहन आज हमारी राखी पहनाएगी, तो भाई बहन का त्योहार है। नाग की पूजा किस दिन होती है? नाग पंचमी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को। यहाँ पर लिखा नहीं है श्रावण शुक्ल, तो ध्यान रखिए आगे पुस्तक से लिख लें, श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी को नाग की पूजा होती है। श्री कृष्ण की माता जी का क्या नाम था? श्री कृष्ण की माता जी का नाम देवकी था और पिता का नाम वसुदेव था, लेकिन पिता का पूछा नहीं है, तो जो देव माता का ही पूछा है, तो माता का नाम देवकी था। अब आया प्रश्न तीन, रिक्त स्थान भरें, खाली जगह भरें। गुरु को डॉट डॉट परमेश्वर माना जाता है, साक्षात परमेश्वर माना जाता है, यह डॉट 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 का पर्व है, यह प्रेम का पर्व है। प्रेम का पर्व कौन सा है? रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का। इसे गुड़ियों का त्योहार भी कहते हैं। किस कौन से त्योहार को? नाग पंचमी को, जो कि श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, नाग पंचमी उसको गुड़ियों का त्योहार भी कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। कौन, कब हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इस तिथि को दुर्गा पूजन भी होता है। कब? श्री राम नवमी के दिन दुर्गा पूजन भी होता है। यह ऋतु परिवर्तन का पर्व है। कौन सा पर्व है ऋतु परिवर्तन का पर्व? बसंत पंचमी। इसलिए बसंत का त्योहार बहुत सुंदर त्योहार होता है, न गर्मी ज्यादा होती है, न जाड़ा, जाड़ों के बाद जब गर्मी की शुरुआत होती है तो बसंत ऋतु आती है, उसमें बसंत पंचमी सरस्वती का पूजन होता है। यह ऋतु परिवर्तन का पर्व है। ये सब हमारी परीक्षाओं में आते हैं। अब हमको इनको क्या करना है, इनको सुंदर लेख में अपनी कापियों में लिखना है, स्कूल की कापियों में, उसके बाद इसको आपने याद करना है, पढ़ना है, तब याद होगा, समझना भी है। तो इतनी सी बात के साथ धन्यवाद।